ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय और अजीब सी जगह है। कई लोगों का मानना है कि हर कोई ग्रह एक समान है, जैसे कि गोलाकार पत्थर और गैस से बने हैं। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से अनोखे ग्रह भी हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना और ना ही उसकी कल्पना की। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 10 ग्रहों के बारे में जिसको जान के आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ग्रहों से। पहले नंबर पे है एकदम से काला दिखने वाला ग्रह, जिससे प्यार से नाम दिया गया है ट्रेस 2b। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से 750 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स की दूरी पर है। जहाँ तक हमें पता है, ये ग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अंधेरा ग्रह है। ये ग्रह केवल 1% रोशनी प्रतिबिंबित करता है, जिसके वजह से ये बिल्कुल काला दिखता है। इसका कारण है ये ग्रह ऐसे गैसों से बना है जो प्रकाश को सोख ले। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यह ग्रह काला होने के साथ साथ एक भयानक सी लाल रंग की चमक देती है। इसका कारण ये है कि इसका तापमान दहकती 1100 डिग्री सेल्सियस है, जो इसको लाल रंग देता है। दूसरे नंबर का ग्रह बहुत ही चमकीला है। इसकी चमक डायमंड की तरह है, क्योंकि असल में ये एक विशाल हीरा है। इस प्लैनेट को नाम दिया है 55 कैंक्री ई, जो है पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और 1/3 हिस्सा शुद्ध डायमंड का बना है। इसका कारण ये है कि ये एक कार्बन हैवी प्लैनेट है, और ये प्लैनेट इतनी घनी है कि सारा कार्बन डायमंड के रूप में रहते हैं। ये प्लैनेट 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर हम उस प्लैनेट का छोटा सा अंग भी धरती पर ले आए तो यहाँ की डायमंड मार्केट क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि डायमंड की मूल्य नहीं रहेगा। अगला प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो केमिस्ट्री के रूल्स बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, एक बर्फीले प्लैनेट जो है आग में सुलगता हुआ। इस प्लैनेट का नाम है ग्लेसी 436b। इसकी सतह लगातार 439 डिग्री सेल्सियस की आग में जल रहा है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण इतनी तेज है कि वो बर्फ को पिघलने नहीं देता। ये पिघलते बर्फ को अपनी कोर की तरफ इतनी जोर से खींचता है कि बर्फ पिघलता नहीं है और उसको लुप्त होने से रोकता है। अगली बार आप अगर खराब मौसम से परेशान होते हैं, एक पल के लिए रुक जाइए और शुक्र मनाइए कि आप प्लैनेट HD189773b पर नहीं रहते हैं, जिसमें लगातार कांच की बारिश होती है। इसकी वातावरण सिलिकॉन से बना है, जिसकी वजह से इसका नीला रंग का होना। इसकी ऊंची तापमान की वजह से सिलिकॉन की बारिश होती है। इसके साथ ही साथ 4000 मील प्रति घंटा की तेज हवा भी बहती है। लेकिन ये हमारी अगली प्लैनेट वास 12b के सामने कुछ भी नहीं है, जिसको उसकी खुद की सूरज उसे धीरे धीरे निगलने लगा है। इस प्लैनेट की ऑर्बिट अपनी सूरज की इतनी नजदीक में है कि इसकी तापमान बहुत ही बढ़ चुका है और हर पल 6 बिलियन मेट्रिक टन वजन खोते जा रहे हैं। इसकी साइज लगभग जुपिटर के बराबर है, लेकिन अधिक तापमान के वजह से ज़्यादा फूल गए हैं। असल में इस प्लैनेट को इतनी तेज निगलते जा रहे हैं कि इसकी आकार एक अंडे की आकार जैसे हो गई है। अगले प्लैनेट पे आते हैं, जिसका नाम है ग्लीसे 581c। ये प्लैनेट बिल्कुल ही खास है, क्योंकि ये साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा टॉप 3 ग्रहों में से है जहाँ जीवन पनप सकते हैं। पर यह ग्रह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ के चक्कर लगाते हैं और टाइडल लॉक भी है, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा अपनी सूरज की तरफ होती है और दूसरी साइड सूरज से दूर, जिसकी वजह से एक तरफ बहुत ही गर्म है जो आपको पल भर में पिघला देगा और दूसरी तरफ इतनी ठंडी है जो आपको बर्फ की तरह जमा देगा। आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रह पे जीवन कैसे मुमकिन है। इसका उत्तर है, वहाँ पे एक संकरीन भाग जो गर्म और ठंड वाली भाग के बीच में है, जहाँ है सही पर्यावरण जीवन के पनपने के लिए। अगला प्लैनेट है वास्प 17b, जिसका आकार जुपिटर से 2 गुना बड़ा है। ये प्लैनेट इतनी विशाल है कि साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। इसकी वातावरण भी बहुत पतली है। इस प्लैनेट की ऑर्बिट भी रेट्रोग्रेड है, जिसका मतलब ये अपनी सूरज की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। आपने स्टार वार्स में देखा होगा कि एक प्लैनेट की 2 सूरज हैं, लेकिन रियल लाइफ में इससे भी बड़ी आश्चर्य कर देने वाली है। 149 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट जिसका एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सूर्य हैं।
इस प्लेनेट का नाम है HD 188753 AB। अगर आप इस ग्रह पर खड़े होते हैं तो आपके तीन परछाई दिखेंगे और बहुत ही अक्सर सूर्य ग्रहण भी दिखेंगे। 49 लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह जिसका नाम है GJ 1214 B। ये ग्रह पानी से बना है। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट का नाम रखा है वाटर वॉल। इस प्लेनेट की हर तरफ पानी ही पानी है। नीचे की ओर भी हजारों मील पानी है जो इसकी कोर तक जाती है। इसकी कोर बर्फ का बना है, लेकिन ये कोई साधारण बर्फ नहीं है। हर तरफ पानी के प्रेशर के वजह से इसका कोर बर्फ बन गया है। साइंटिस्ट ऐसे बर्फ को नाम दिया है आइस 7। और आखिरकार में आते हैं एक ऐसे प्लेनेट जो कि बहुत खास है, ना कि चरम वातावरण के वजह से, बल्कि हमारे सौर मंडल से 470 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता है, लगभग 88%। इसका डिस्कवर किया था जनवरी 2015 को केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने, और नाम रखा गया है केपलर 438 B। और एलियन जीवन को पनपने के लिए वातावरण भी सही पाया गया है। ये प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में गोल्डिलॉक्स जोन से अपने सूर्य का चक्कर लगाता है। गोल्डिलॉक्स जोन वो एरिया है जो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडी है। पानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लिक्विड पानी सिर्फ गोल्डिलॉक्स जोन में ही मुमकिन है। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।